नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब वही इतिहास पढ़ते आ रहे हैं जो इतिहास में लिख दिया गया। अब इतिहास की किताबों में इतिहास को करेक्ट किया जा रहा है और ये हमारा हक भी है कि हम आने वाली पीढ़ी को इतिहास का सही ज्ञान दें। काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद एक बार फिर से विवादों में है। आप सब जानते हैं, आप सब की नज़रें इससे जुड़ी हुई खबरों पर लगी रहती हैं और हिंदू पक्ष के वही दावे हैं जो अयोध्या में किए गए थे, यानी हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मुस्लिम राजाओं ने ये मस्जिदें बनवाई और इस ऐतिहासिक भूल को हर हाल में हमें सुधारना है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं ने ये मांग उठाई थी कि अयोध्या, काशी, मथुरा आदि में जहाँ भी बड़े मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं वो उनके हवाले कर दिए जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को अनसुना कर दिया। उसके नेताओं ने ऐसी कोई पहल नहीं की कि गोरी, गजनवी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब आदि ने जिन हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उनके मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया और वहाँ मस्जिद बनाई, वहाँ वे हिंदुओं को वो वापस मिल गए। वही वजह है कि आज अयोध्या में विवादित ढांचे के 3 दशक के बाद हिंदुओं की आस्था के 2 प्रमुख स्थल वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर इस समय बहुत चर्चा में है। अयोध्या का जो मामला था उसके हल के लिए कई बार दोनों पक्षों में बातचीत हुई, लेकिन किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि कई दल और वामपंथी नेता एवं इतिहासकार मुस्लिम नेताओं को सुलह न करने के लिए उकसाते रहे। ये लोग इसकी भी अनदेखी करते रहे कि हिंदू समाज किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इच्छुक है। इस इच्छा को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझा और राम मंदिर आंदोलन में अपना सहयोग दिया। भाजपा संघ ने हमेशा ही यह कहा कि इस मसले का हल बातचीत से निकले या फिर न्यायपालिका के जरिए, और आखिरकार लंबी लंबी प्रतीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए जिस जमीन पर विवादित ढांचा था उसे हिंदुओं को देने का निर्देश दिया। उसने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन देने के भी आदेश पारित किए। हिंदू समाज की जितनी आस्था अयोध्या के राम मंदिर पर है उतनी ही बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी है। और ये एक फैक्ट है कि औरंगजेब ने इस मंदिर परिसर में जबरन मस्जिद बनवाई। हिंदू समाज इस मस्जिद को देख करके सदियों तक अंदर ही अंदर घुटता रहा, लेकिन जब अयोध्या मामले में फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया तो कुछ हिंदू फिर सक्रिय हो गए। उन्हें तब और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, उन्हें बल मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया। इससे लोगों में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति एक अलग किस्म का अट्रैक्शन बढ़ा। चूँकि ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी परिसर में, अब उसको मस्जिद बोलना बेकार है क्योंकि वहाँ पे बाबा सबको दिखाई दे चुके हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है। तो मैं बात कर रही थी चूँकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में 1991 तक हिंदू नियमित पूजा करते रहे थे, इसीलिए काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कुछ हिंदू महिलाएं ये मांग लेकर के अदालत जाती हैं कि उन्हें पहले की तरह इस मंदिर में पूजा करने की इजाज़त दी जाए और इसका भी पता लगाया जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद कहीं मंदिर को तोड़ के तो नहीं बनाई गई। और इसी मांग पर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए। इस वीडियोग्राफी से संबंधित जो रिपोर्ट लीक हुई उसके अनुसार मस्जिद में एक शिवलिंग है, सभी ने देखा, और उसकी दीवारों पर हिंदू
धर्म के अनेक प्रतीक भी हैं। जहाँ शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग वजू करते थे। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान को सील करने के आदेश दिए। इसी के साथ उसने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की छूट तो दी, लेकिन वजू करने का स्थान जो है कहीं और बनाने के लिए कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मसले को सिविल कोर्ट से वाराणसी की जिला अदालत के हवाले कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी को 1991 के धर्म स्थल कानून का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का आकलन करने के लिए नहीं रोकता। इस मामले में अंतिम अदालती फैसला कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं कि यहाँ मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। फिर भी मुसलमानों का एक वर्ग ये मानने को तैयार नहीं है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई है। ये और कुछ नहीं, जो सामने सामने फैक्ट दिखाई दे रहे हैं उनसे मुंह मोड़ने की तरह है। कुछ मुस्लिम नेता तो काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस कराने वाले औरंगजेब की भी प्रशंसा में लगे हुए हैं, सभी जान रहे हैं। इससे हिंदू समाज काफ़ी नाराज है और उसका नाराज होना स्वाभाविक भी है। अब मुस्लिम पक्ष को ये समझना होगा, मुसलमान भाइयों को ये समझना होगा कि उनके पूर्वज भारत भूमि के ही थे, वे हिंदू ही थे। वे गोरी, गजनी, खिलजी या बाबर के साथ भारत नहीं आए थे। ये फैक्ट समझने वाला है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि इन विदेशी हमलावरों ने न केवल हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, बल्कि हिंदू समाज को एक तरह से अपमानित करने के लिए, उनके मनोबल को क्रैश करने के लिए, कुचलने के लिए तमाम मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदें बनाई। इन विदेशी आक्राताओं के इस कृत्य को कोई भूल नहीं सकता। हालांकि इसे भुलाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम झूठ लिखा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम वही इतिहास पढ़ते आए जो इतिहासकारों ने लिखा, तो तमाम झूठ लिखा, लेकिन उनकी ये पोल रह रह करके खुलती रही। इसके बाद भी कांग्रेस लीडरशिप वामपंथी इतिहासकारों की तरह ये कहता रहा कि अपमान भरे इतिहास को भुला देने के साथ ही मंदिरों की जगह जबरन बनाई गई मस्जिदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई भी समाज अपनी आस्था और अस्मिता के प्रतीकों के साथ हुए अपमान को क्या कोई भूल सकता है? तब तो और भी नहीं जब सच को शरारत के साथ जानबूझ के छिपाया जा रहा हो, उससे मुंह मोड़ा जा रहा हो। आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि जो अत्याचार इस्लामी हमलावरों ने हिंदुओं पे किए, उसे सही रूप में सामने रखा जाता और इस सच को आत्मसात किया जाता कि इन हमलावरों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके धर्म स्थलों का विध्वंस किया। ये बेहद खेद की बात है, बहुत दुख होता है कि आज़ादी के बाद हमें न केवल झूठा इतिहास पढ़ाया गया, बल्कि अत्याचारी विदेशी हमलावरों का महिमामंडन भी किया गया जो आज भी ये काम कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि काशी मथुरा के साथ ही अन्य जो भी मंदिरों में मस्जिदें बनाई गई हैं, वे हिंदू समाज के लिए एक नासूर की तरह हैं। जब कभी काशी और मथुरा के मामले अदालतों के सामने हैं, अभी समय ये दोनों ही मामले अदालतों के सामने हैं, तब फिर कोई ऐसी पहल भी होनी चाहिए कि ऐसे मसले हम बैठ करके सुलझा लें। जो गलती अयोध्या में हुई है वो आगे ना दोहराई जाए। आपको नहीं लगता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी? और फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने और गलत इतिहास का महिमामंडन कर रहे हैं। अब तो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट तक ने मान ली हैं। दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहा करें ताकि मैं अपने कंटेंट में लगातार सुधार करती रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।